ring rong, 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 ring. जिंदगी एक जादू है, विश्वास करो तो मौज करो, वरना कुछ और करो। बाऊजी, ओ बाऊजी। बाऊजी प्रणाम बाऊजी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बाऊजी, आपको गए हुए तो पूरे 3 साल हो गए हैं, पर ऐसा लगता है कि बस कल ही की बात है जब आप हमारे साथ थे। बाऊजी, बाऊजी, आपको याद है कैसे आपने अपने जादू से माँ जी की आवाज को बंद कर दिया था, याद है? और माँ जी ने बिना कुछ बोले आपको कितना डांटा था ना। बाऊजी, आई रियली मिस यू। और हाँ बाऊजी, आप देखना मैं आपका बर्थडे कैसे यादगार तरीके से सेलिब्रेट करूंगी। बर्थडे तो आपका है, लेकिन गिफ्ट भी आप ही से मांग रही हूँ। आपको आशीर्वाद देना होगा कि इस घर में शांति हमेशा बनी रहे। बहू मेरी चाय। बाऊजी, बाऊजी, आप आज भी माँ जी की आवाज सुन के हिल जाते, कमाल है। बहू आई। आती हूँ बाऊजी। बहू। जी जी, चाय चाय। बहू, तुझसे तो कोई भी काम ना ठीक टाइम पे नहीं होता। योगा नहीं करती ना इसलिए। बैठ मेरे साथ योगा कर, तेरे दिमाग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जी। चल बैठ इधर बैठ। जी 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 माँ जी। ऐसे कर। ऐसे। अच्छा, तुझे याद है आज क्या है? जी जी माँ जी, याद है ना, आज सोमवार है। सियापति रामचंद्र की जय। अरे, आज तेरे बाऊजी का जन्मदिन है। ओ हाँ, माँ जी आपको याद है? हाँ, देखा, तुझे याद नहीं था ना। मेरी याददाश्त क्यों अच्छी है? क्योंकि मैं योगा करती हूँ। जी। और तेरे बाऊजी भी अगर जादू वादू के चक्कर में ना पड़े होते ना, तो आज 62 साल के हो जाते। माँ जी 63 साल। देखा, 1 मिनट भी नहीं हुआ तुझे योगा शुरू किए और तेरी याददाश्त कितनी अच्छी हो गई, है ना? जी माँ जी। अच्छा माँ जी, आपकी एज कितनी होगी? हाथ नीचे, हो गया योगा। तेरा दिमाग ना कुछ ज्यादा ही चलने लग गया। अब तू जा और जाके शाम की तैयारी कर, बाऊजी का वो फेवरेट स्ट्रॉबेरी केक जरूर बना लेना। जी माँ जी। मुझसे मेरी उम्र पूछ रही थी। मैं क्या इतनी बेवकूफ हूँ कि इस उम्र में झूठ बोल के नरक को जाऊंगी? सियापति रामचंद्र की जय। अब्राकडाब्रा, मैं गायब हो जाऊं, मैं गायब हो जाऊं। बंटी, अरे बंटी कहाँ चला गया? बंटी, वाओ, मेरा जादू चल गया, मैं गायब हूँ, मुझे स्कूल जाने की कोई जरूरत नहीं है। बंटी मासी। हाँ? पर मैं तो गायब था, फिर आपने मुझे कैसे देख लिया? मिस्टर जादूगर, तुम ऐसे गायब हो ही नहीं सकते हो। हाँ, अगर मैं चाहूँ ना तो तुम 1 सेकंड में गायब हो सकते हो। वो कैसे? वो ऐसे कि माँ जी को पता चल चुका है कि तुम टेरेस पे ना जादू की प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आ रही हैं। अरे बाप रे, मैं चला।
मानसी जी जी क्या हुआ? देखो ना मानसी, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सी शर्ट पहनूं। तो डिसाइड करने की क्या जरूरत है, आप तो रेडी है ना? नहीं नहीं, अभी के लिए नहीं, मैं शाम को पार्टी में कौन सी शर्ट पहनूं। चौहान साहब, आपको डिसीजन लेने में इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम होती है? नहीं होती, शायद होती है। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम नहीं होती। एक मिनट रुकिए। हाँ, शाम को ना आप ये वाली शर्ट पहनना, ये शर्ट आपको बाबूजी ने दी थी ना। बाबूजी? बाबूजी, आई लव यू बाबूजी। तुम क्या कह रही थी? हाँ, मैं कह रही थी कि आप इस शर्ट में ना मुझे शाहरुख खान जैसे लगते हैं। मैं शाहरुख खान लगता हूँ? तुम कह रही हो तो ठीक कह रही होगी, सो स्वीट। अच्छा सुनिए, शाम को राज भाई साहब को इनवाइट करना मत भूलना। हाँ कर दूंगा, आज तो मैं हाफ डे लेके आ जाऊंगा। सो स्वीट। मौसी, मेरी स्कूल ड्रेस। बहू, मेरी पूजा की थाली। हे भगवान, ये ले। मासी, मुझे स्कूल जाना है, मंदिर नहीं। ये बहू इस उम्र में मुझे स्कूल क्यों भेजना चाहती है? माजी 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 माजी, आप, 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 आपकी पूजा की थाली। सॉरी माजी, सॉरी। चल बंटी, बहुत देर हो जाएगी, जल्दी। माँ जी, मैं बंटी को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, मार्केट से सामान भी तो लाना है ना। ठीक है बाबू। ओहो बंटी, बहुत देर हो गई है। अच्छा सुन, तेरी बस चली गई होगी क्या? हाँ मौसी, 5 मिनट पहले। क्या करें? ये छुट्टी। ये कोई छुट्टी नहीं होगी, खड़े रहो सीधा। चल चल जल्दी चल, माँ जी मैं अभी आई। चल। हाय, हेलो श्रीजा, हेलो सैम, गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, हेलो गुड मॉर्निंग। आज मैं एकदम सही टाइम पर आया हूँ। सर, आपका रिकॉर्ड बरकरार है, आज भी लेट। लेकिन मेरी घड़ी में तो 10 बजे है। सर, ये घड़ी आपकी है ना, आपकी तरह लेट। उधर देखो सर। लेकिन ये चल रही है सर, आपकी घड़ी की टिक टिक यहाँ तक सुनाई दे रही है। सर, बॉस आ गए हैं, बोला है आपको आते ही अंदर भेज दूं। जाइए सर, पेशी लगेगी। सोचा था कि आज बॉस से हाफ डे की छुट्टी मांगूंगा, लगता है आज छुट्टी की तो छुट्टी हो जाएगी। गणपति पापा, प्लीज हेल्प मी प्लीज। सर इतना और ले, और घड़ी की सुइयां वापस ठीक कर ले। ऐसे मुर्गों को बकरा बनाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मासी, हाँ? मैं खेलने जाऊँ? हाँ, लेकिन चेंज करके जाना। ओके। अरे ये शर्ट, इसे तो मैं आन करना ही भूल गई। जब तक ये गर्म होती है मैं केक की तैयारी कर लेती हूँ। अरे अवन कहाँ चला गया? माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, अवन कहाँ चला गया? खुद नहीं गया, वो प्रमिला उसे ले गई है। अजय से मंगा ले, वो सुबह से अपने भूत बंगले से निकला भी नहीं है। जी आज भाभी आई। इतना सारा पानी, ये पानी कहाँ से आया? अजय, डोंट वरी भाभी, डोंट वरी, मैं हूं। अजय, अजय, ये सब क्या है? ये पानी कहां से आया? अरे भाभी, पानी आया नहीं है, मैंने भरा है, मेहनत की है। पानी? मगर क्यों? आपका रिएक्शन देखने के लिए। रिएक्शंस? भाभी, अब आप तो जानती हैं कि मैं एक महान राइटर डायरेक्टर हूँ, और मेरी आने वाली फिल्म में एक सीन है। अब सिचुएशन ये है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, और आपके चेहरे पर मैं वो रिएक्शन देखना चाहता था कि हीरोइन बाढ़ को देखकर कैसे रिएक्ट करती है। वैसे भाभी,
आपने माइंड ब्लोइंग रिएक्शंस दिए हैं। तुमने हीरोइन के रिएक्शंस तो देख लिए हैं, अब हीरोइन की सास के रिएक्शंस देखना चाहोगे? बुलाओ माँ जी को। नहीं 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 नहीं, मुझे सिर्फ रिएक्शंस देखने थे, मुझे एक्शन नहीं देखना है। मॉम को मत बुलाइए ना, ये सब देख कर मॉम भड़क जाएंगी। भाभी ये प्लीज साफ कर दो ना प्लीज। वो तो मैं कर दूंगी। और सुनो प्रमिला भाभी के घर से हमारा ओवन लेकर आओ, जाओ। जाता हूँ जाता। ओहो इतना सारा पानी। ये क्या हो गया? बहू आज भी दूध जला दिया क्या? हाँ जी माँ जी, थोड़ा सा। मानसी इससे पहले कि घर में सारा पानी भर जाए तो पानी साफ कर दे पहले। चल मानसी उठ। बहू महान है बहू महान। यू आर ग्रेट। माजी क्या हुआ बहू, क्यों चिल्ला रही है? माजी माजी अभी अभी बाऊजी ने मुझसे बात की। बाऊजी ने? जी जीते जी तो बोलने की हिम्मत नहीं हुई, मरने के बाद बोलेंगे। देख बहू जी, तू ना सुबह शाम मेरे साथ योगा किया कर, दिमाग ठीक रहेगा तेरा। लेकिन माँ जी मैं सच कह रही हूँ। सियापति रामचंद्र की जय। बहू देख सारा दिन खाली बैठे बैठे ना तेरा दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया है, चल शाम की तैयारी कर चल के। जी माँ जी। बाबूजी तय माँ जी ठीक कह रही है, मुझे ना कुछ और काम कर लेना चाहिए। और वैसे भी बाबूजी कैसे बात कर सकते हैं? बाबूजी बहू ये मैं ही हूँ बहू। चिल्ला मत चिल्ला मत। लेकिन बाबूजी आप बोल कैसे सकते हो? क्योंकि अब मैं मर चुका हूँ। बेटा जीते जी तो तेरी सास हमेशा सियापति रामचंद्र की जय बोलती रही, लेकिन अपने पति को कभी बोलने नहीं दिया। लेकिन बाऊजी आपको गए हुए तो तीन साल हो गए हैं ना, तो आज अचानक क्यों वापस? क्यों भाई, जब मम्मी रिटर्न्स हो सकती है तो फिर बाबूजी रिटर्न्स क्यों नहीं हो सकते? अच्छा तो माँ जी के आते ही आप चुप क्यों हो गए? क्योंकि तेरी सास को जादू से सख्त नफरत है, इसलिए अब मैं तेरे अलावा किसी को नहीं देखने वाला। तीन साल से मैं देख रहा हूँ बेटा, तीन साल से। साल बदल गए मगर तेरा हाल नहीं बदला। बहू जी मेरा हाल तो बहू 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 मुझे सब पता है कि इस घर में तुझे जरा भी आराम नहीं है। तेरी सास की वजह से इस घर में कोई भी बाई दो दिन से ऊपर टिक नहीं पाती। जो बाई आती है वो दो दिन में ही बाई बाई बोल कर निकल लेती है, और ऊपर से तेरे भांजे बंटी की जिम्मेदारी भी तेरे कंधों पे आन पड़ी है। इसलिए बहू अब मैंने तेरी मदद करने का फैसला किया है। मेरी मदद? लेकिन बाऊजी आप टेंशन मत लीजिए, आई कैन मैनेज। और मुझे ये भी याद है जब आप जिंदा थे ना तो आप माँ जी की बहुत हेल्प करते थे, कपड़े धोते थे, बर्तन भी धोते थे, और हाँ झाड़ू लगाते थे। लेकिन आप ये सारे काम मेरे लिए करेंगे ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं बहू, ऐसे नहीं, एक तरीका है मेरे पास। देख तू एक काम कर, अपनी आंख बंद कर और अपने हाथ आगे कर। जादुई अंगूठी। हाँ बाऊजी वाकई में जादुई है।
मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही। अरे बेटा हाथ पलटी कर, तेरी उंगली में है। अंगूठी तो है। अब तुझे काम करना है, ऐसा कर अपने दूसरे हाथ से अंगूठी को घुमा और बोल रिंग रॉन्ग रिंग। उसके बाद जो भी काम करवाना चाहती है वो काम बोल, फिर दोबारा से बोल रिंग रॉन्ग रिंग। जो काम तुम बोलेगी वो काम तेरा हो जाएगा। लेकिन सुन, इसके बारे में किसी और को बोलना मत हुँ? और आज मेरा हैप्पी बर्थडे जरा अच्छी तरह से मनाना। लेकिन उसके पहले जाके जरा एक ऐसा करके के 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 अजय का रूम साफ कर दे। चलो मैं जाता हूँ। जी बाब, लेकिन बाबूजी डोंट वरी मानसी, सब ठीक हो जाएगा। रिंग रॉन्ग रिंग, ये कमरा बिल्कुल साफ हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। सामान सामान कहाँ गया? बाऊजी क्या हुआ बहू? बाऊजी इस अंगूठी की वजह से ना सारा सामान गायब हो गया। हाँ तो बेटा ठीक तो हुआ, तुमने कहा कमरा बिल्कुल साफ हो जाए तो कमरा बिल्कुल साफ हो गया। मेरा मतलब था कि कमरे का पानी साफ हो जाए। बाऊजी ये अंगूठी गड़बड़ कर रही है। बेटा वो ऐसा है कि जब मैं इसको बना रहा था ना तो तेरी सास ने मुझे बड़ा परेशान किया, अब उस परेशानी की वजह से शायद इसमें कुछ कमियां रह गई हैं। अब जैसे जो इसका जो वो जादू मंत्र है रिंग रॉन्ग रिंग, उसमें जो रॉन्ग है ना वो RONG नहीं है, WROG है। रॉन्ग मतलब गलत। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। देख वुश वुश याबरा का डाबरा गो। बाऊजी बाऊजी सारा सामान वापस आ गया। मैं जा रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। बाऊजी ठीक है। रिंग रॉन्ग रिंग, यहाँ का सारा पानी गायब हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। अरे बहू लोगों के आने का वक्त हो गया और अभी तक तुम्हारी तैयारियां ही खत्म नहीं हुई। माँ जी बस सब तैयार। नमस्कार आई। नमस्ते आना। नमस्ते प्रमिला। आओ आओ। हाय अजय। हाय भाभी। वेलकम। तुम्हारी फिल्म का क्या हुआ? अरे भाभी सब तैयार है, कहानी सेट डिजाइन यहाँ तक कि हीरो भी फाइनल हो गया, बस हीरोइन नहीं मिल रही। हीरोइन तो तुम्हें यहाँ भी मिल सकती है। अरे बंटी क्या कर रहे हो बेटा? आनंद ये तुम क्या कर रहे हो? आई ये मेरा नया आविष्कार है, शेर भगाओ स्प्रे। इसे स्प्रे करने से शेर पास नहीं आता। सियापति रामचंद्र की जय, यहाँ शेर कहाँ से आ गया? आएगा भी कैसे, अभी तो स्प्रे किया मैंने। सियापति रामचंद्र की जय। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हाय मानसी। नमस्ते भैया। प्ले प्ले प्ले। मानसी नाइस साड़ी। थैंक यू। राज तुम्हें याद है पिछले महीने ऐसी साड़ी हमने सकू भाई को दी थी? और वो भी बड़े खुशी से उसने थैंक यू बोला था। इट्स रियली हॉट। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? मानसी वो विजय को आज ऑफिस में बहुत काम था। आप जाइए फ्रेश होकर आइए। जाइए। घबराइए मत, हम नहा के आते हैं। मानसी क्या पार्टी बड़ी सूखी सी लग रही है। तुमने वो मॉकटेल्स और जूसेस का अरेंजमेंट किया है कि बस ये फुगे और बलून्स और ये डाउन मार्केट डेकोरेशन में सारे पैसे खर्च कर दिए? नहीं कोल्ड ड्रिंक्स है ना, मैं लेकर आती हूँ। लेट देम बी कोल्ड। हाँ क्या राज गार्डन में एसी भी नहीं है? केक तैयार है? हाँ जी माँ जी केक तो तैयार। डू डू
केक बन गया ना? हाँ जी माँ जी, समझ लीजिए कि केक तैयार है। ठीक है, तू बाहर लेके आ, मैं केक के लिए टेबल तैयार करती हूँ। टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये है ना, ये बनाएगी केक। रिंग रॉन्ग रिंग, माँ जी का स्ट्रॉबेरी केक तैयार हो जाए। रिंग रॉन्ग रिंग। केक कहाँ गया? जी मैंने राम रतन धन पाए। पर ये क्या है? सॉरी माँ जी, क्या करूँ, इस केक को कहाँ छुपाऊँ? सॉरी। केक बन गया। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। जब खुशबू इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना अच्छा होगा इसका। सुनिए ना, वो जो कुछ सुनना सुनाना अब केक कटने के बाद ही होगा। आज बाबूजी की हैप्पी बर्थडे, प्लीज आज ऐसा मुंह मत बनाओ प्लीज। बाबूजी, हम सब आपका हैप्पी बर्थडे मनाने जा रहे हैं, आप सब मेरे साथ सिंग कीजिए प्लीज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रुकिए, आप ये केक नहीं काट सकते। भाई केक बनता ही कटने के लिए, ये कटेगा और जरूर कटेगा। अरे सुनिए ना, आपको केक काटना थोड़ी आता है। आपको याद है पिछली बार जब आप केक काट रहे थे तो आपकी उंगली कट गई थी ना? अरे हाँ भैया, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। लाइए भाभी, आज केक मैं काटूंगा। नहीं नहीं चाचू, केक मैं काटूंगा, मुझे केक काटने का 8 साल का एक्सपीरियंस है ना। नहीं बंटी, ये केक नहीं है। वही नहीं, ये केक नहीं है तो क्या है? ये माँ जी। माँ जी? माँ जी? माँ जी? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि ये माँ जी का फेवरेट केक है ना। भाभी कुछ भी हो, आज तो केक कटेगा और सब में बटेगा। बटेगा? और इसे मैं काटूंगा। ए गोगो, ए गोगो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.